मनरेगा कानून के तहत 15 दिन के अंदर मजदूरों की मजदूरी भुगतान हो जाना चाहिए था, परंतु उत्तर प्रदेश श्रावस्ती गिलौला ब्लॉक के सेनिया गांव के निवासी माता प्रसाद सहित 25 मजदूरों को पिछले एक वर्ष से मजदूरी न मिलने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने 36 दिन तक मनरेगा में काम किया था, इसके बाद में हमको प्रधान जी ने एक भी पेमेंट नहीं किया, एक भी। दूसरा, हमको इतनी परेशानी है कि बच्चे हमारे फटे पुराने कपड़े पहनते हैं और बुखार से पीड़ित रहते हैं, और जो है हमारी खेती नहीं हो जाती है, हमारी हर चीज़ की परेशानी है। हमारा बच्चा जो है स्कूल में पढ़ता है, उसका फीस नहीं दे पाते हैं, उसका कपड़ा नहीं बनवा पाते हैं। तो बताइए दादा, आपको क्या परेशानी हो रही है? परेशानी, नरेगा का पैसा नहीं मिला है और 36 रोज काम की है, नरेगा का पैसा नहीं मिला है। पैसा हो बहुत काम हो जाता हमारे, लड़के भी बीमार, कुछ कहीं दवाई कराई, खेती भी नहीं बोई जात, कौन हिसाब से पैसा हो जाए तो बहुत काम हो जाए, साहब पैसा नहीं मिल रहा है, हम परेशान हैं। और आपके जैसे कितने लोगों ने मनरेगा में काम किया था? 20 लोग। और कहाँ पे काम किए थे आप? काम किनका जो हो तो या कूला में हन, वहाँ सड़क पर हन, नदी नौखान के दाढ़े, नदी के दाढ़े राप्ती के। और आपने कभी इसके लिए मांग किया है? और मांग कहे 50 क्यों मांगेगी, नक्को चक्कर रुपये नहीं दिन है। किससे आपने मांग किया? आधार कार्ड के नंबर लिया था, 20 बाजी नंबर ले चुके हुए प्रधान जी, आज तक रुपये नहीं मिल पाई, कहाँ तक के परेशानी, कहाँ तक परेशानी की जाए उनका। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इन 25 मजदूरों की मजदूरी जल्द से जल्द भुगतान कराई जाए ताकि इनकी समस्याएं दूर हो सके। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग गिलौला ब्लॉक के विकास खंड अधिकारी का मोबाइल नंबर 94-54-46-48-56 पर कॉल करके दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं रईस अहमद, उत्तर प्रदेश जिला श्रावस्ती, इंडिया अनहार्ड के लिए।